करना है? इतने दिन के अपने जितने भी के बिना बताए हैं आपको, इसमें क्या समझना है? सर मेरा तो यही है कि इतने दिन से आप जो फिनोमिना बता रहे हैं उसमें एक बात मुझे कॉमन लगती है कि सबसे पहली बात तो आप नोट कीजिए, अल्बर्ट आइंस्टाइन का इसमें मुख्य रोल है, और दूसरा गणित को आप बहुत ध्यान दे रहे हैं, आप केमिस्ट्री नहीं जा रहे हैं ज्यादा, आप गणित में जा रहे हैं और गणित में आप देख रहे हैं कि कहाँ पे कौन सा एंगल कहाँ बन रहे हैं, कैसा अधिक कौन न्यून कौन जो भी है, आप पर्टिकुलर हर चीज का वैल्यू निकाल रहे हैं और विद डायग्राम से समझा रहे हैं, और जहाँ तक इसकी बात है मैग्नीफाइंग ग्लास की, आप मैग्नीफाइंग ग्लास का भी यूज कर रहे हैं, और बहुत अच्छा क्वेश्चन किया सर आपने, क्या चीज समझ में आ रहा है तो समझ में ये आ रहा है कि हर एक पॉइंट को आप क्लियर कर रहे हैं, और जैसे कोई टीचर डेरिवेशन बताता है कि सिर्फ लिख बस देता है बोर्ड में और समझाता नहीं है, तो आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, आप पूरा उसको एक एक पॉइंट को कंसीडर करते हैं, हर पॉइंट आपको स्ट्रक्चर के लिए गौर कर रहे हैं, और एक एक पॉइंट में आप स्ट्रक्चर बना रहे हैं, उसको बाकायदा हम ये देखिए प्रिंट भी कर रहे हैं, यहाँ पे हमने प्रिंट करके भी बहुत सारा रखा है, मोनालिसा का पेंटिंग जैसे आपने बताया, तो मोनालिसा कौन थी उसका हिस्ट्री आप निकाल रहे हैं, मतलब कहने का मतलब कोई कोचिंग सेंटर में भी इतना फैसिलिटी नहीं मिलता उतना आप पूरा बता रहे हैं सर। और एक आखिर ये व्हाट इज मोल्ड क्या है आपके हिसाब से? अब ये तो थोड़ा अलग टाइप है सर, मोल्ड शायद बायो का है मेरे ख्याल से, लेकिन अगर उसको के मैं फिजिक्स में निकाले तो मेरे ख्याल से वो शायद ग्रेविटेशनल पॉइंट है जो कि स्पेस में वर्क करता है, और हाँ आपने अच्छा क्वेश्चन किया मोल्ड में, ये मोल्ड को अगर आप अच्छे से देखें इसमें फिजिक्स के कुछ नियम निकले, हाँ जरूर निकले, इसीलिए मैं मोल्ड तो पूछा, मोल्ड और ना वहाँ से आप बहुत सारी चीजों को निकाल सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं। अच्छा आपको ज्योग्राफी में भी बहुत कुछ बताए हैं, ज्योग्राफी और फिजिक्स में क्या तुलना है दोनों में अगर समावेश किया जाए? क्या आप लोग जितना भी बताते हैं बिल्कुल हंसी खुशी से बताते हैं, एकदम स्ट्रेस कभी नहीं रहता, तो ज्योग्राफी और फिजिक्स का रिलेशन बहुत गहरा है क्योंकि इसमें जी पॉइंट लगता है जी, बस बस इतने ओपन करने के लिए बोला हूँ, ठीक एक नंबर पूछते हो जी आप।